कारित मुजरिम माननीय लालू प्रसाद, जिनको अपने दल के विधायकों से संवाद करने में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी याद है ना आपको, सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में था, इंग्लैंड से मोबाइल वैन आया था मेडिकली इक्विप्ड, उसको गरीब रैला में इस्तेमाल कर करके उसको नस्ते नाबूद कर दिया। देखिए लालू प्रसाद जी बिहार ही नहीं देश के अंदर गरीबोन्मुखी कार्यक्रम चला कर करके पुअर एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया। सवाल है कि नीतीश कुमार जी सहित पूरा उनका जदयू जो क्वारंटाइन परिवार है, जो नीतीश कुमार जी के इशारे पर बंद रूम से भौं भौं करते रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनके नेता खुद 302 के आरोपी रहे हैं, उन पर खुद आरोप लगा है 300। कारित मुजरिम माननीय लालू प्रसाद, जिनको अपने दल के विधायकों से संवाद करने में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है और ट्वीट लेवल ऊपर हो गया है, ये गहन जांच का विषय है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों से बिहार लगातार उस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी याद है ना आपको, सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में था, इंग्लैंड से मोबाइल वैन आया था मेडिकली इक्विप्ड, उसको गरीब रैला में इस्तेमाल कर करके उसको नस्ते नाबूद कर दिया। 123 चरवाहा विद्यालय बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाने में नहीं लज्जा महसूस हो रहा था, और मानक केवल यह है कि फुलवरिया में आपने रेफरल हॉस्पिटल बनाया, आपके समय वहाँ आदमी भी जाता था, वहाँ कोई पदस्थापित भी लोग रहते थे, और आज अपने गांव से रिपोर्ट मंगा करके देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। देखिए लालू प्रसाद जी बिहार ही नहीं देश के अंदर में गरीबोन्मुखी कार्यक्रम चला कर करके पुअर एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया। सवाल है कि नीतीश कुमार जी सहित पूरा उनका जदयू जो क्वारंटाइन परिवार है, जो नीतीश कुमार जी के इशारे पर बंद रूम से भौं भौं करते रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनके नेता खुद 302 के आरोपी हैं रहे हैं, उन पर खुद आरोप लगा है 302 का, ये बताने की ज़रूरत किसी को नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो उनको हम बता दें, एक बार जान लें वो कि आरोप लगे हैं कि नहीं लगे 302 के। अब कैसे क्या हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। सवाल है कि विपक्ष का दायित्व है कि जन सरकार के सवालों को हम जनहित तक पहुंचाएंगे, सरकार के नकारापन को हम हर हाल में रखेंगे ताकि सरकार उसको सुधार करे। सरकार आम जन के धन पर, उनकी कमाई पर, उनकी गाढ़ी कमाई के खजाने पर बैठ के राज करती है, उनकी अपनी कोई जागीर नहीं है, ये पूरे खजाना बिहार की जनता का है, 12-13 करोड़ जनता का गाढ़ी कमाई मेहनत का है खजाना, वो उसका सदुपयोग होना चाहिए। बिहार के अंदर में अगर आईना दिखाता है प्रतिपक्ष तो उनको ट्विटर के बारे में बोलते हैं, तो जी भोभो सिंह जी एक बात जान लीजिए आप, 2014 के बाद राष्ट्रीय जनता दल ट्विटर पर आया है, और नीतीश कुमार जी 2009 में ट्विटर पर आए थे, और 60 लाख फॉलोवर्स कहाँ से खरीदे थे उस सबको पता है, कौन थे जदयू के राज्यसभा, जिनके पुत्र राज्यसभा सांसद के पुत्र जब सुबह हंगामा हुआ तो भूल गए क्या, यह बताना पड़ेगा इनको। इसलिए एक बात यह जाननी चाहिए कि हम प्रतिपक्ष में हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है ना, आप कभी सुने होंगे कि सवाल सत्ता पक्ष विपक्ष से करता है, अपनी नाकामियों के बारे में कुछ नहीं बोल करके अगर बात करनी है तथ्यात्मक करिए, बिंदुवार करिए, बताइए कि बिहार के अंदर में जो बंद एम्बुलेंस हैं, एम्बुलेंस जो संचालक एजेंसियां हैं पैसे कैसे ले रही है, 1,00,000 रुपये से ऊपर एक एम्बुलेंस पर महीने जा रहे हैं एजेंसियों को, बंद पड़े हैं, वो पैसा कैसे कैसे बंदरबांट हो रहा है, बताएं कि 1,000 से ऊपर की संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्र जो बंद हैं,
और कागजों पर संचालित हैं, जो तबेले में तब्दील होने के बावजूद भी उसके भवन निर्माण के रखरखाव, उसके मेडिकल उपकर्म्स, ये सारे चीज़ों का पैसा कौन लेगी। इसलिए हमने सीबीआई की जांच की मांग की कि यह मामला सीबीआई से जुड़ा, जांच से जुड़ा की मांग करता था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हजारों करोड़ रुपया मेडिकल उन्नयन के नाम पर, सुविधा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उसकी वास्तविक तस्वीर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तो मीडिया गणों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बिहार के बदसूरत जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हाल दिखाई। कहीं जुआड़ी का अड्डा है तो कहीं ताड़ी पी रहा है, ये तो स्थिति है आपके स्वास्थ्य का हाल का।